असलमेकम हैलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल और वेलकम बैक टू न्यू वीडियो आज का वीडियो संडे का है शाम का टाइम है जहाँ पे हम लोग आज जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए तो आप लोग भी चलिए हमारे साथ और इस संडे क्या क्या था इस मॉल में वो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ जैसे हमने एंटर किया मुझे डेकोरेशन काफ़ी अच्छा लगा हम लोग थोड़े दिन के बाद जा रहे थे बहुत टाइम से गए नहीं थे इस मॉल में यहाँ पर डेकोरेशन जो मेरे ख्याल से किया हुआ है वो दिवाली में जो किया था ना जो डेकोरेट किया था वही मेरे ख्याल से सब कुछ लगा हुआ था लेकिन ये न्यू सेटअप था ये बेबी शार्क वाला इन लोगों ने एक ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ था बच्चे लोगों के लिए जो अभी स्टार्ट नहीं हुआ था प्रोग्राम स्टार्ट होना बाकी था लेकिन जब सेटअप हो गया था और एंट्री भी थी जिसने पासिस ऑलरेडी ऑनलाइन बुक किए हुए थे फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया चीज़ों को और आयरा तो बस आई और घूमी यहाँ वहाँ और डायरेक्ट चली गई हैमलेज में इसके पापा लेके चले गए थे ऊपर और मैं यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लोर कर रही थी और फिर मैंने सोचा उसके बाद मैं जाऊंगी ऊपर उसके साथ वहाँ पर बहुत अच्छा सेटअप था और अभी प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ था होने वाला था तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि उसको ऊपर लेके जाते हैं तो वो तो थी ही अब मैं भी चली गई साथ में वहाँ पर देखने वाली थी कि नया कुछ दिया हुआ है क्या नहीं ऊपर से ना नीचे का नज़ारा देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा था काफ़ी अच्छा कलरफुल डेकोरेशन किया हुआ था अदरवाइज ऐसा नॉर्मली ये पूरा खाली रहता है संडे का दिन था ना इस वजह से ज़्यादा भीड़ भी थी ज़्यादा क्राउड भी था और थोड़ी सी छुट्टियाँ भी एक्सटेंड हो गई है और बच्चों लोग के हॉलीडेज़ भी थी तो थोड़ा सा क्राउड ज़्यादा ही था यहाँ पर जैसे मैंने एंटर की ये नया सेक्शन दिखा मुझे या पता नहीं पहले ध्यान नहीं गया होगा ये लंबे वाले सॉक्स थे अलग अलग कार्टून वगैरह बने हुए थे ये भी नई चीज़ देखने के लिए मिली यहाँ पे पहले ये वाला सेटअप नहीं था तीन चार महीने पहले जब मैं आई थी तब लेकिन ये जो हम तो बाय नहीं कर सकते हैं लेकिन चलो कोई बात नहीं देख लेते हैं अच्छा लग रहा था ऐसे ही विंडो शॉपिंग फिर आयरा यहाँ पे खेलने लगी क्योंकि इस बार है ना बहुत सारे टॉयज ये लोग ने ओपन करके रखे हुए थे बच्चों लोग को खेलने के लिए तो यहाँ पर आयरा खेल रही थी और ये कोशिश कर रही थी बास्केट के अंदर डालने के लिए लेकिन ये जा ही नहीं रहा था उसने तो डाला ही उसके बाद मैंने भी कोशिश की थी लेकिन मुझसे भी नहीं गया प्रैक्टिस करने के बाद आ जाएगा वैसे इसके साथ जाओ ना यहाँ पर तो इसके पीछे भागना पड़ता है और अपने पैर को दर्द कराना पड़ता है क्योंकि बच्चों को तो कुछ समझ में आता नहीं वो लोग बस टॉयज देखे और बस वो लोग घूमने लगते हैं हमारे पैर का कचूम्बर निकल जाता है खैर बच्चों की खुशी हमारी खुशी यहाँ पर वो उससे तो हुआ नहीं तो यहाँ पर ये आगे लगाने के लिए फिर उसके बाद थोड़ी देर में ना प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला था तो हमने इसे कहा कि चलो बाहर चलते हैं और देखते हैं कि स्टार्ट हो गया है या नहीं तो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम जो है स्टार्ट हो गया था और आप देख सकते हैं कि ये कौन सा सॉन्ग बज रहा है जो बच्चों का बिल्कुल बहुत ज़्यादा फेवरेट है डांस स्टेप से पता चल गया होगा तो ये ये लोग जो है बेचारे लोग डांस कर रहे थे और यहाँ पे सारे बच्चे खड़े हुए थे तो हम पहले ऊपर से देखे उसके बाद हमने सोचा चलो आयरा को नीचे लेके जाते हैं तो थोड़ा ऊपर से देखने के बाद फिर हम नीचे चले गए तो हमने अंदर एंट्री ले ली और फिर उसके बाद आया देख सकते हैं आप वहाँ पे डांस कर रही है यहाँ पे बहुत सारे एक्सप्लोर करे हम लोगों ने चीज़ें जैसे रखे हुए थे झूले वगैरह थोड़े बहुत ही थे ज़्यादा नहीं थे बच्चों लोगों को ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है थोड़ा सा खेलने के बाद बहुत थक गई थी फिर हम चले गए यहाँ पर रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए अच्छा ये जो रेस्टोरेंट है ये बहुत ज़्यादा फेमस है स्पेशली साउथ मुंबई में और मेरे ख्याल से इंडिया में तो हर जगह फेमस होगा ही अगर कोई मुंबई आता है तो ये रेस्टोरेंट का नाम तो ज़रूर जाना जाता है स्पेशली जो नॉन वेज लवर है वो अगर साउथ मुंबई में आए तो ये वाली जगह पे आना ज़रूर प्रेफ़र करता है एक बार तो एक बार सही ज़रूर आना प्रेफर करता है क्योंकि यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है स्पेशली जो मोगलाई आइटम होता है उसकी तो बात ही कुछ और होती है यहाँ पर हमने मंगाया था मटन टिक्का ये मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया है मटन टिक्का वैसे तो चिकन टिक्का खाते ही रहते ग्रेवी मटन टिक्का ग्रेवी थी और ये मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी और खाने के बाद मैंने सोचा कि मैं ज़रूर इसको एक बार घर पर ट्राई करूँगी कि कैसा बना था That's a- कुछ आयरा का फेवरेट ही हम लोगों ने मंगाया था तो सबसे फेवरेट है उसकी बिरयानी और यहाँ की बिरयानी एकदम अलग ही लेवल की होती है बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है चाहे आप मटन खा लो चाहे आप चिकन खा लो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत सारे लोगों को दीवाने हैं यहाँ की बिरयानी के यहाँ के कर्मा के सच में और साथ ही साथ रायता था पहले तो रायता सर्व नहीं करते थे अब पता नहीं क्यों इस बार अभी सर्व करने लगे उसके बाद हमने खाना इंजॉय किया यहाँ पर और खाना खाते खाते डिसाइड कर रहे थे कि आए हैं तो फालूदा तो डेफिनेटली पी के ही जाएंगे क्योंकि यहाँ का फालूदा तो अनबीटेबल है मिलता ही नहीं है भले ही इससे अच्छा इससे खराब मिल जाए लेकिन इसके जैसा ना डेफिनेटली कहीं नहीं मिलता है और इन लोगों ने एक नया फालूदा इंट्रोड्यूस किया है दो महीने पहले शालीमार स्पेशल फालूदा तो इसमें थोड़ी स्पेशल चीज़ें ये लगी कि लोगों ने ऊपर से ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के दिया था अंदर थोड़ी सी रबड़ी ज़्यादा थी मावा था तो इसलिए ये स्पेशल फालूदा और ये वाला है नॉर्मल फालूदा तो मुझे तो बाबा नॉर्मल फालूदा ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ का ये ना थोड़ा सा स्पेशल फालूदा जो था स्पेशल फालूदा जो था वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है अगर आपका आपने आप सिर्फ स्नैक्स खाने के लिए आ रहे हो तो ये ऑर्डर कर सकते हो क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा ना हैवी हो गया था खाना खाने के बाद ये खाना थोड़ा जमता नहीं है लेकिन फिर भी हम लोगों ने ट्राई करने के लिए मंगा लिया कि देखते हैं कैसा था तो हमने फालूदा पिया और खाना खाया सब इन्जॉय किया आज का संडे अभी तक यहाँ तक पहुँच गए हैं मेरी वीडियो तक तो वीडियो को एक लाइक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फिर हमने खाना फिनिश करके चले गए घर पर घर पर गए थक गए थे और सो गए सुबह में नाश्ता वगैरह किया फिर 12 बजे के करीब ना खाते हैं नूडल्स तो मैं यहाँ ना नूडल्स बनाने लगी यहाँ पे मैं गिप्पी नूडल्स बना रही हूँ इंडियन ब्रांड का नूडल्स है ये इंस्टेंट नूडल्स तो अब हम लोग ना यही वाला यूज़ करते हैं तो टेस्ट भी इसका अच्छा है तो वैसा टेस्ट नहीं है लेकिन अच्छा है खाने लायक है बहुत अच्छा है तो और वैसे भी दो तीन ब्रांड्स और आ गए हैं इंडियन तो वो भी मैंने दो तीन ट्राई किया है बट ज़्यादातर हमारे एरिया में ना ये वाला जो है फेमस है तो ये मिल जाता है तो इसलिए हम लोग यही ला के रखते हैं क्योंकि आयरा कभी कभी स्कूल में मांग लेती है या कभी कभी ऐसे भी खाने का मन हो जाता है तो हम लोग खा लेते हैं तो ये मैं बना रही थी जो बनाना बहुत ज़्यादा आसान है इंस्टेंट नूडल तो बनाना आसान ही होता है करना क्या होता है बस पानी गर्म करो नूडल्स डालो और उसके जो मसाला होता है वो डालो तो बस यहाँ पे बन के रेडी हुए आप देख लीजिए अगर आपने ट्राई नहीं किया है ना ये तो आप ट्राई करके देख सकते हैं क्योंकि ये टेस्ट में काफ़ी अच्छा है अच्छा लगता है अगर आप कोई इंडियन ब्रांड का ढूंढ रहे हैं ना इंस्टेंट नूडल्स तो आप डेफिनेटली ये ट्राई कर सकते हैं हमें टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो हम मोस्टली यही वाला ही मंगाते हैं वैसे दो तीन ट्राई किया था उसके बाद इसको फाइनलाइज कर लिया और एरिए में भी यही ज़्यादा बिकता है वो तो मानी हुई बात है कि चीज़ें ज़्यादा कैसे बिकती हैं अगर चीज़ों की डिमांड हो तो जिसकी डिमांड ज़्यादा आती है इनको लोग ज़्यादा लोगों को ये पसंद आता है ठीक है ना तो चलिए फिर इसको हमने बना लिया था और मैंने और आयरा ने ना एंजॉय किया दोपहर में क्योंकि हम दोनों ही थे यहाँ पर आज दोपहर में क्योंकि अभी चल रही है हॉलीडे इलेक्शन की वजह से थोड़ी सी लंबी हॉलीडे दे दी गई है यहाँ पर मुंबई में तो इसलिए छुट्टी पड़ चुकी है पहले तो दिवाली वेकेशन ख़त्म हुई उसके बाद हुआ ये कि इलेक्शन आ रहा है तो और थोड़ा सा हॉलीडेज़ जो है एक्सटेंड हो गई है तो ये था नूडल्स बनाना बहुत ज़्यादा आसान है सबको आता है बनाने के लिए तो हमने बनाया और इन्जॉय किया आप भी घर में बनाइए और अपने खानों को इंजॉय कीजिए अब बस आज के लिए तो बस इतना ही जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा बाय टेक केयर